ये आलू है, सॉरी आलू बोलो, आटा है, नहीं धीरे धीरे आएंगे। सब बोल बम वाले जा रहे हैं, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। किसी होटल में रुक के खाना खाएंगे इसके बाद। तो पहाड़ है, रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही पता नहीं, बाकी पहाड़ हैं पहाड़ ही है, ट्रक पलटी पड़ी है। सो फाइनली हमारी मंजिल, फाइनली हमारी मंजिल, फाइनली हमारी मंजिल आ गई। जय सती सुईया माता की जय हो, जय हो। जहाँ ऋषिकों का वासा है। तो भैया इसको कहते हैं सुकून, इतना भटकने के बाद, गलत रास्ते में आने के बाद। हमको गलत रास्ता बताया ही गया था, वरना इस तरह हाईवे हाईवे ही है जहाँ तक हमको लगता है मेन। चलो ठीक है भैया, भटके तो भटके, कम से कम पहुँच तो गए। भटकने का दुख एकदम नहीं हो रहा अब, भटकने का दुख एकदम नहीं हो रहा, क्योंकि सही रास्ते से आए हैं। और फिर से वही झामा, ये रोड यहाँ पे बड़ी ख़तरनाक होती है। यहाँ की रोड देख लीजिए, ऊपर ऊंचाई से गाड़ी आ रही है और मेरी यहाँ से जा रही है ऊपर तक। तो ये सती अनसुईया का मज़ा है। जब हम लोग बचपन में आते थे कार ओर से, तो इसको बड़ा इन्जॉय करते थे इस रोड को। और अभी आपको जब हम मंदिर दिखाएंगे ना, मंदिर और बढ़िया है, सती अनसुईया माता का जो मंदिर है वो और बढ़िया है। 4 किलोमीटर है यहाँ से। तो यहाँ पे भाई साहब बंदर बहुत हैं, वो भाई साहब बैठे ऊपर कुछ खा रहे हैं, भुट्टा भुट्टी लाइन से। रंगबाजी है भाई इनकी, रंगबाजी। अब बोल दो तो ग्रुप का ग्रुप चढ़ के तमाचे तमाचा मारे पकड़ के। सो फाइनली ही भाई साहब भुट्टा चुराए के लाए किसी का। हाँ एक चीज़ फिर से बता रहा हूँ, कभी अगर आप दर्शन करने आइए तो खाने पीने की चीज़ हाथ में लेके मत टहलिएगा। बता रहा हूँ ना, खाने पीने की चीज़ें हाथ में लेके मत टहलिएगा, बैग में रख लीजिए, हाथ में भर नहीं होनी चाहिए। पता है इस जगह की खासियत क्या है? यहाँ मंदिर तो काफ़ी अच्छा है, ये भव्य मंदिर है, लेकिन यहाँ पे पानी में मछलियाँ दिखती हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पानी में मछलियाँ भी दिखती हैं सती अनसुईया मंदिर में। तो लाइन से बंदर बैठे हैं भाई, बड़ा संभाल के चलना पड़ेगा, नहीं कोई गाड़ी नीचे आ गए तो पाप लगेगा बिना मतलब का। ये देखिए दबंगई, देखिए भुट्टा चुरा चुरा के लाए हैं किसी का, कौन सा ही खरीदेंगे। और मैंने सुना यहाँ कहीं झरना भी है, पर झरना का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है। हम दाएं बाएं जंगल कितना घना है, पहले देखिए ये दंतकारण्य का जंगल है, ये पूरा जंगल दंतकारण्य का है, काफ़ी घना जंगल माना जाता है ये। यहाँ पे हर प्रकार के जंगली जीव हैं, अब शेर चीता तो पता नहीं, लेकिन इतने घने जंगल में कहाँ पता होबे करें। और ये बहुत घना जंगल है और उमस बड़ी भयानक है यहाँ पे। जंगल तो ये घना है ही है, यहाँ उमस भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे मंदिर बंद है, वरना हम लोग यहाँ खाना खाते हैं रुक के जब भी आते हैं, तो अभी तो मंदिर बंद कर दिया ये। कुछ ही दूरी पर सती अनसुईया मंदिर है, अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। यार रोडवा में उछलना है, कोई भी लपलपाए के आएगा गाड़ी के सामने तो कचूमड़ बन जाएगा 2 मिनट में। अरे चौराहे खाना है तो आराम से बैठ के खाओ मालिक। ये देखो तुमसे बड़ा तो भुट्टा है। अरे लाला ओए होए होए, पूरा परिवार, क्या बात है क्या बात है, वाओ नाइस। तो अब गाड़ी वोड़ी खड़ी करने का जुगाड़ देखते हैं क्या है। फिलहाल मंदिर प्रांगण तक तो पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे नहीं हैं, मंदिर प्रांगण तक हम पहुंच चुके हैं। तो बस मंदिर प्रांगण से पहले यार गाड़ी खड़ी कर दी है, क्योंकि हमको पता नहीं था कहाँ खड़ी करनी है कहाँ नहीं करनी है, क्योंकि बहुत पहले आए थे ना। लेकिन अब देख रहे हैं बाइक लेके आदमी अंदर तक चला जा रहा है,
खैर ये नदी देखिए अभी यहाँ पे मटमैली दिख रही है, इसका कारण ये है कि ऊपर पानी बरसा है और पानी बरसने की वजह से जो मिट्टी है ना वो रिस्कीपुर इसी में आई है, वरना ये इतनी साफ़ होती है कि आप इसमें मछलियों को देख सकते हैं। और अभी हम देखने की कोशिश करेंगे शायद दिख जाए मछलियाँ। बाकी यहाँ पे भी चित्रकूट जैसा ही पूरा, या कामतानाथ स्वामी की परिक्रमा जैसा ही सब कुछ है। आसपास दुकानें हैं, जो भी चाहें खरीद सकते हैं। जो भी क्या यहाँ बच्चों और महिलाओं के लिए ही है, श्रृंगार के सारे सामान, चूड़ियाँ हो गई और भी दूसरी चीज़ें हो गई, और प्रसाद की दुकानें हैं। बाकी तो कुछ खास दिख नहीं रहा है हम लोगों के लिए। और अगर मैं रास्ता भटक गया था एक्चुअली, लेकिन अब सही रास्ते पर आ गए हैं, तो अब मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको दर्शन करवा सकूँ। अभी जो नए लोग ज्वाइन किए उनको बता दें कि ये सती अनुसुईया माता का मंदिर है जहाँ हम दर्शन करने जा रहे हैं, और हम यहीं के लिए निकले थे, पर अनफॉर्चुनेटली रास्ता हम भटक चुके थे। तो अभी ये देखना है यार कि हेलमेट वेलमेट कहाँ रखना है, और ये जो हमने शूज़ पहने हैं इनको कहाँ उतारना है, क्योंकि अभी किसी दुकान से प्रसाद लेंगे और यहीं पर उतार देंगे, और ये सही भी रहता है। बाकी अब देखते हैं, कहीं पर अगर अच्छी सुविधा मिले तो वहीं उतारेंगे। और मैं ये सोच रहा हूँ कि एकदम आगे जाके उतारूँ ना, ताकि जब मैं वहाँ पे रहूँगा तो फिर ये पैर गीला नहीं होगा, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, तो मैं आगे जाके उतार देता हूँ ताकि पानी वानी रहे और आराम से मेरा काम भी हो जाए, दर्शन भी हो जाए, प्रसाद भी ले लेंगे। और ये पूरे पहाड़ के ऊपर काट के बनाया गया है इसे। अगर आप वास्तविकता में आएंगे तो ये काफ़ी भव्य मंदिर है, ऐसा कहें कैमरे में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप सच में आएंगे ना तो ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी भव्य मंदिर है। तो बस अब यहीं कहीं दुकान में देखते हैं कि प्रसाद लेते हैं, और अपना जो हेलमेट वेलमेट है, सामान वामान है, बैग वैग वहीं रख देते हैं, क्योंकि सुरक्षित रहेगा ना। प्रसाद लेने के बाद कम से कम ये अश्योर कर देते हैं कि सामान सुरक्षित रहेगा। तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो फाइनली तकरीबन 1.5-2 घंटे टहलने के बाद, भटकने के बाद, अब जा कर के पहुँचे हैं सती अनुसुईया जी के मंदिर में। और मुझे ये लगा था यहाँ मछलियाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन जिस तरह का पानी दिख रहा है उम्मीद बहुत ही कम है कि मछली उछली कुछ भी देखने को मिलेगी। हालाँकि यहाँ कुछ तो है, ये मछलियाँ ही हैं छोटी छोटी, अभी देखिएगा यहाँ पर आएंगी। ये मछलियाँ ही हैं छोटी छोटी, आमतौर पर जब पानी साफ होता है तो यहाँ बड़ी मछलियाँ दिखती हैं, आवाज़ सुन के वह भाग रही हैं, तो यहाँ पर आदमी दाने डालते हैं तो ये खाती हैं आके। इस मंदिर की खास चीज़ ये आलू की ये है, पता नहीं क्या है, इसको डालेंगे मछलियाँ आएंगी और उनको खिलाएंगे। ये आलू है, सॉरी आलू बोलूँ, आटा है, नहीं धीरे धीरे आएंगे। अभी पूरा खाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा इनसे। पूरा झुंड का झुंड आएंगी। भाई साहब बड़ा मज़ा आता है बंदरों के पास, लेकिन हम नहीं जाते भाई बंदरों में, जाने डर लगता है, वो छुड़ा उड़ा लेते हैं सामान पूरा। बाकी यहाँ झुंड का झुंड मछलियाँ है। अभी तो पानी गंदा है, जब पानी साफ़ होता है तो यहाँ पे और मछलियाँ होती हैं, और बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ आती हैं। अब बारिश की वजह से जो पहाड़ का पानी है वो सीधे नीचे आ रहा है। अभी 5 मिनट में ये मंदिर कितना बड़ा, इसका अंदाज़ा इस चीज़ लगा सकते हैं कि वो ऊपर पहाड़ है, पूरा ऊपर पूरा पहाड़ है और नीचे ये पूरा मंदिर है, और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण है, राम मुझे नहीं पता सर, राम जी हैं, भगवान श्री राम है। और इधर भी रथ पे सवार उनकी पूरी मूर्ति है, उधर विष्णु जी का चतुर्भुज अवतार है। तो अभी मंदिर के अंदर भी चलेंगे, शायद वहाँ पे कैमरा बैन है तो कैमरे से तो वीडियोस कैप्चर नहीं हो पाएंगे, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे, विजुअल्स लेंगे पूरी, जितना हमसे हो पाएगा उतना विजुअल लेंगे यहाँ पे। तो मेरे पीछे यही सती अनुसुईया का मंदिर जहाँ पे घूमने में आए थे, मुझे लगा था कि यहाँ पे पानी साफ होगा, पानी तो साफ नहीं है, लेकिन पीछे पूरा मंदिर है और पूरा पहाड़ को काट के बनाया। तो अभी दर्शन करेंगे और देखेंगे क्या क्या होता है यहाँ पे, सीन सब कुछ है यहाँ पे देखने लायक, काफ़ी अच्छी चीज़ें ऊपर। छत्रपति शिवाजी भी, वीर शिवाजी महाराज ऊपर हैं, सबसे ऊपर छत्रपति शिवाजी, उधर महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जी हैं, भगवान श्री भोलेनाथ का शिवलिंग है। अब इसका भी दर्शन करेंगे, चलेंगे।
धर्मरथ, श्री राम रावण से युद्ध करते हुए इंद्र द्वारा भेजा गया रथ। प्रवेश द्वार, ऊपर जाना मना है, यहां से प्रवेश है। अब यहां से मैं करूंगा वॉइस ओवर, क्योंकि शायद अंदर चिल्लाना मना है, बात करना मना है। जो भी हुआ देखेंगे सीन कैसा होता है, तो वो तो बताए बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे कुछ जगह फोटो लेना मना है, और जहाँ जहाँ मना नहीं है वहाँ वहाँ के विजुअल सबके सामने हैं। तो उस मंदिर में आपको अलग अलग मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, जहाँ पर जितने भी पौराणिक कथाएँ हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कौन कौन सी यहाँ पर घटनाएँ हुई हैं और सत्यन सैया माता की क्या कथा है। इन सब कथाओं के बारे में इस मंदिर के अंदर मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित करने का कोशिश किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर जो घटना यहाँ पर हुई है उसका बकायदा यहाँ पर चित्रण भी किया गया है, कि ताकि आप समझ सके कि उस समय यहाँ पर क्या हुआ था। और रामायण काल में सत्यन सैया माता जी का काफ़ी बड़ा उल्लेख मिलता है, और बताया जाता है कि माता सीता को भी उन्होंने ज्ञान और दीक्षा दी थी। और यहाँ पर अलग अलग मान्यताएँ भी हैं, और लोग दर्शन करने आते हैं। और जब भी आप कभी आएंगे तो आप यहाँ एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि ये जगह काफ़ी दिव्य है, और दर्शन करने के लिए ये काफ़ी अच्छी जगह है। हालांकि बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पर कैमरे अलाउ नहीं हैं, लेकिन जहां पर अलाउ है वहां के हम विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। और हम तकरीबन यहां पे एक घंटे से हैं, और ये मंदिर इतना भव्य है कि जब आप दर्शन करने आएंगे तो आप यहां से जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां पर ऐसी मूर्तियाँ हैं जिनके बारे में जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो एक डेढ़ घंटे कैसा निकल जाएंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे। ये मंदिर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी भव्य है। और आमतौर पर आज जब हम आए हैं तो भक्तों की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन होता ये है कि यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, और भीड़ होने का मतलब ये है कि दर्शन कभी कभी अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन आज हमारा सौभाग्य था कि दर्शन भी अच्छे से हुए, और जितने भी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं इनके बारे में जो कहानी है, इनका क्या मतलब, इनके पीछे की वजह क्या है, वो सारी आपको यहाँ पर रिटर्न में मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हर घटना के पीछे दीवार पर लिखा हुआ है कि उन घटना का क्या महत्व था और वो क्यों हुई थी, और इन मूर्तियों का यहाँ होने का क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें आपको दीवार पर ही लिखी मिल जाएंगी, और आपको भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आपको यहाँ पर भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उन सब के अवतारों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आता है तो यहाँ पर जो ऋषि मुनि हैं, साधु हैं, वो बैठे रहते हैं, आप उनसे आग्रह कर सकते हैं, वो आपको सब कुछ विस्तार से बता भी देंगे। तो यहाँ पर मंदिर की भव्यता की बात की जाए तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि अब तक हमने जितने मंदिर घूमे हैं उन मंदिरों में सबसे भव्य मंदिर हमें यही लगा है। और चित्रकूट में और भी कई जगह हैं घूमने वाली जिनमें अभी हम जाएंगे सत्यन सैया माता के दर्शन के बाद में। और आमतौर पर यहाँ पर जो विवाहित महिलाएँ होती हैं वो आती हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करती हैं, और उनको अच्छे फल की उम्मीद भी होती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग भी आए हैं ताकि हम दर्शन कर सकें। इसके पहले भी मैं आया था, लेकिन काफ़ी समय हो गया और काफ़ी बदलाव भी आ गया है यहाँ पे। पहले इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं। और बात करें अगर यहाँ पे, तो ये गुफा आप देख सकते हैं, गुफा के अंदर जाइए और आपको एक वास्तविक गुफा का भी यहाँ पे अनुभूति होगी अंदर घुसने के बाद, क्योंकि हम भी यहीं जाने वाले हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है, हालाँकि यहाँ पर काफ़ी अंधेरा होगा। और एकदम ये देखिए, ये गुफा के अंदर जाने का रास्ता है और अंदर एकदम अंधेरा है, उस तरफ निकलने के बाद ही रोशनी होगी। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह ऐसी है जहाँ पे कैमरे अलाउ नहीं है, इसलिए हम कैमरे को बंद कर दिए हैं, क्योंकि कई समाधियाँ हैं जहाँ अनुचित है, और लिखा रहता है वहाँ पर हम नियमों का पालन भी करते हैं। हालाँकि यहाँ पर लोग फोटो खींच रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, तो हमने भी वीडियो ऑन कर दिया। और यहाँ पर भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं आपको सब दिखेंगे। भगवान विष्णु ने आज तक जितने भी अवतार लिए हैं उन सब का यहाँ पर सचित्र वर्णन किया गया है मूर्तियों के माध्यम से, ताकि आप जान जाएं किस युग में भगवान का कौन सा अवतार था। तो यहाँ पर आपको भगवान विष्णु और भगवान राम से संबंधित जितनी जानकारियाँ हैं इस मंदिर में सबकी सब मिलेंगी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि हम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री भी प्लान कर रहे हैं, और बहुत शीघ्र आपको चित्रकूट के जितने भी देवस्थल हमने टहले हैं वहाँ पर हम एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान कर रहे हैं। और अगर भगवान श्री राम का आशीर्वाद रहा तो ये प्रोग्राम जल्द ही हो जाएगा। तो अब आइए मंदिर से बाहर चलते हैं। तो यहाँ से परिक्रमा पूरी होती है और मंदिर का जितना दर्शन हम करवा सकते थे करवाए, जहाँ पे मना था वहाँ हमने वीडियो नहीं बनाया। बाकी देखते हैं अभी क्या क्या देखने लायक है वो भी दिखाएंगे। बाकी दर्शन सही हो रहे हैं, फ़ोन में समझ में नहीं आएगा जब सामने से आप आके इसको देखेंगे, ये काफ़ी भव्य है।
और ऊपर विष्णु जी की मूर्ति है, सबसे ऊपर महाराणा प्रताप जी, उधर शिवाजी महाराज,